कपूर द्विवेदी जो आईबी में ऑफिसर हैं एसीआईओ, इन्होंने ये पिछले 1.5 महीने से मुझे एज अ वाइफ बनाकर अपने साथ रख रहे थे और मैं बार बार शादी के लिए बोल रही थी शादी करनी है, देन कि ठीक है हम शादी करेंगे। एंड अभी फाइनली इन्होंने बिल्कुल पीछे हट गए हैं जस्ट बिकॉज इनकी माँ भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ मिसबिहेव किया, फुल ऑन मारपीट की। उसके पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी मम्मी के साथ भी बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया। फिर 23 तारीख से मैं यहाँ पर आशाना थाने दौड़ रही हूँ, लाइक कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस का क्या बिहेव है आपके प्रति? अरे वो मेरा सरनेम पूछते हैं, मिस्टर अखिलेश कुमार पांडे जी मेरा सरनेम पूछते हैं, मेरी एप्लीकेशन सामने देखते हुए भी कहते हैं तुम्हारा सरनेम क्या है, लड़के का सरनेम क्या है, इनको मेरे सरनेम से क्या लेना देना है। एंड लाइक FIR नहीं, लाइक तुम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहे हो तो देन ठीक है मामला रफा दफा करो। उसके बाप को मेरे सामने फ़ोन कर रहे हैं कि 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ये 3 तारीख की बात है, 3 नवंबर की। एंड मुझको जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ FIR कर दीजिए तो कहते हैं ठीक है 4 तारीख को हो जाएगी और तुम्हें व्हाट्सअप कर दी जाएगी, लेकिन 4 को भी नहीं किया, 5 को मैंने फ़ोन किया तो लाइक ट्रांसफ़र कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, फुल ऑन बहानेबाजी कर रहे हैं, मेरी FIR तक नहीं की है इन लोगों ने। कितने दिनों से आप इस थाने में दौड़ रही हैं? सर मैं 23 अक्टूबर से बराबर आ रही हूँ। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी नहीं सर। कब से जानती हैं आप उसको, आईबी ऑफिसर को? अगस्त से, 12th अगस्त। कहाँ मुलाकात? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया से पहचान बढ़ी आपकी, उसके बाद आप उसके रिलेशन में आई हैं? जी सर। तो आपने उसका कोई बैकग्राउंड पता करने की कोशिश करी इस दौरान? नहीं सर, एक्चुअली हम दोनों सेम कानपुर सिटी के हैं तो देन इतना ज़्यादा कोई वो नहीं हुआ। क्या है एक प्रकरण जो कि कहा जा रहा है कि एक आईबी से जुड़ा अधिकारी पद पे है और जो एक लखनऊ में ही तैनात है और उसने किसी महिला को सोशल मीडिया पर दोस्ती बनाई, दोस्ती बनाने के बाद रिलेशनशिप में भी रखा और अब उसको वो उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा रही है, लेकिन आपकी अचानक पुलिस लगातार करीब 7 चक्कर इसको लगवा चुकी है, क्या है पूरा मामला? ये देखिए जो मामला जो प्रकरण आज जानकारी में आया उसमें एक महिला थाने पर आई है प्रार्थना पत्र लेकर कि एक व्यक्ति जिसका नाम अपूर्व द्विवेदी है उसके साथ महिला की मित्रता थी, ये लोग कुछ दिन लिविंग रिलेशनशिप में भी रहे, कि महिला ने प्रार्थना पत्र में भी लिखकर दिया है अगस्त के महीने में। फिर उसके बाद इस व्यक्ति ने इससे कहा कि इसके साथ शादी कर लेगा, लेकिन उसके बाद में वो मुकर गया अपने वादे से। इससे महिला का आरोप ये था कि इसने शादी का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आज जब प्रकरण हमारे संज्ञान में आया तो उसका तुरंत ही 400 BC का 376 का मुकदमा दर्ज करके महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया। मैम ऐसा माना जाए कि उसकी वो जो आरोपी है उसकी माँ जो है भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, पुलिस के रसूख में है, क्या ये बात कहाँ से? ये बात तो आप ही मुझे बता रहे हैं क्योंकि मैं अभी ड्यूटी में थी और मेरे पास किसी प्रतीक सिंह नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया और उन्होंने जैसे ही मुझे प्रकरण बताया मैंने तुरंत ही FIR का आदेश दे दिया। तो जिस समय मुझे जानकारी हुई तत्काल थाने को बताकर तत्काल FIR कर दी, किसी के रसूख का कोई प्रभाव ना थाने के ऊपर है ना किसी अधिकारी। क्या 3 महीने से महिला चक्कर लगाती रही आपको जानकारी नहीं थी? ऐसा कोई नहीं है महिला से, आप पूछ सकते हैं, ना मैं उसने मुझे देखा ना मेरे से कभी बात करी, अगर ऐसा था अगर वो प्रताड़ित हो रही थी तो उसको संपर्क करते ही कैसे FIR। एक और जानकारी दी कि यहाँ जो थानाध्यक्ष जो बैठे हुए हैं अखिलेश चंद्र पांडे जी उससे समझौते के लिए दबाव बना रहे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बात बिल्कुल झूठ है, महिला इस चीज़ को ना साबित कर सकती है ना ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। थानाध्यक्ष इस वक्त अवकाश पर है और इस समय पूरे थाने की जिम्मेदारी और क्षेत्र की जिम्मेदारी मेरी है, तो ये मैं इस चीज़ का मुझे मालूम है किसी प्रकार का ना कोई दबाव था और ना ही इसको डाला गया है किसी भी स्तर पर।